change into passive voice sentence number 1 he did not help me jahan par tense hai past indefinite aur x ka banana hai passive voice to yahan par me hai me ka subject rakhenge i i ke baad mein जब past indefinite tense होता है तो subject के बाद में was verb का use करते हैं और 'I' के साथ में आ जाएगा was, I was. नॉट इस सेंटेंस में दे रखा है तो यहां पे नॉट लिखेंगे आई वॉज नॉट और इसके बाद में लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म यहां पर हेल्प फर्स्ट फॉर्म है यहां पे हो जाएगा थर्ड फॉर्म हेल्पड हेल्प अब लगाएंगे बाय थर्ड फॉर्म के बाद में जस्ट यहां पे बाय का यूज करेंगे और ही का ऑब्जेक्ट बनाएंगे हिम तो सेंटेंस हमारा पैसिव बन गया I was not helped by him. Next sentence है I am writing a letter. I am writing a letter. तो a letter क्या हो गया हमारे sentence का object है तो a letter यहाँ पे हो जाएगा subject के रूप में इधर, इस, इधर रखेंगे तो a letter हो गया a letter. अब देखिए यहाँ पर ई जेमार रखा है जब ईजेमार होता है तो ई जेम आर को लगा करके हम बींग अलग से जोड़ते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा आ लेटर इज बींग क्या हो जाएगा बींग बींग और उसके बाद में राइट की थर्ड थर्ड फॉर्म राइट में यहां पे राइटिंग है फर्स्ट फॉर्म में एन लगा हुआ है यहां पे लिखेंगे थर्ड फॉर्म फार्मिटेन यहां पे हो गया रिटेन रिटन हो गया अब लगाएंगे बाई और आई का ऑब्जेक्ट रखेंगे स्मी स्मी हो गया तो सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया लेटर इज बींग रिटर्न बाई स्मी नेक्स्ट सेंटेंस है द किंग शॉर्ट द लॉन यहां पर टेंस कौन सा है पास्ट इंडिफेट टेंस है तो इधर हो जाएगा सब्जेक्ट द लॉन द लॉन और पास्ट इंडिफिनिट है तो यहां पर वास का यूज करेंगे द लाइन वास अब थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे शॉर्ट यहाँ पे उसका थर्ड फॉर्म शॉर्ट ही हो जाएगा यहाँ पे सेकेंड है यहाँ पे थर्ड हो जाएगा शॉर्ट उसके बाद में बाई का यूज़ करेंगे शॉर्ट बाई द किंग शॉर्ट बाई द किंग शॉर्ट बाई द किंग तो सेंटेंस हमारा पैसे बन गया द लाइन वाज शॉर्ट बाई द किंग नेक्स्ट सेंटेंस है ही ऑलवेज हेल्प्स मी ये टेंस हमारा प्रेजेंट प्रजेंट टेंस है तो यहां पर ऑब्जेक्ट हमारा मी है मी का सब्जेक्ट हो जाएगा आई और आई के साथ में यूज करेंगे एम एम ऑलवेज ऑलवेज यूज कर देंगे आई एम ऑलवेज अब हेल्प की थर्ड फॉर्म लिखेंगे हेल्प्ड हेल्पड बाय और ही का ऑब्जेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट सेंटेंस है टू नॉट इंसल्ट द पुअर इसका पैसे बनाएंगे लेट से बना देंगे लेट लिखेंगे पहले लेट उसके बाद लगाएंगे ऑब्जेक्ट लेट द पुअर पुअर इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है लेट द पुअर उसके बाद में लगा देंगे यहाँ पे नॉट रखा है तो लिखेंगे नॉट नॉट और बी नॉट बी और इंसल्ट की थर्ड हम लगा देंगे इंसल्टेड इन सल्टेड बाई यू क्योंकि इंपेटिव सेंटेंस है तो यहां पर बाई यू अपनी तरफ से लगा देंगे तो सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड बाई यू नेक्स्ट सेंटेंस है इट वरीज मी तो यहां पर मी क्या है ऑब्जेक्ट मी का सब्जेक्ट बना देंगे आई आई के साथ में एम का यूज करेंगे क्योंकि टेंस हमारा है यहां पर प्रेजेंट इन डिफिनेट आई एम वरीड थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा इसकी वरीज का थर्ड फॉर्म हो जाएगा यहां पर वरीड और जहां पे वर्ब वरीड आता है वहां पर बाय का यूज नहीं करेंगे यहां पर लिखेंगे अबाउट वरीड अबाउट अबाउट इट का ऑब्जेक्ट इट अबाउट इट इट का ऑब्जेक्ट इट ही रहता है नेक्स्ट सेंटेंस है थ्री मैन और लोडिंग द कार्ट द कार्ट ऑब्जेक्ट है यहां पे सब्जेक्ट के रूप में रखेंगे द कार्ड इज एम आर का यूज हुआ प्रेजेंट कंटिन्यूस से तो यहां पे इज लगा देंगे और इसमें लगा देंगे बी लगाएंगे इज बींग लोडिंग यहां पे वर्ब है यहां पे थर्ड फॉर्म आ जाएगी लोडेड लोडेड बाई का यूज करेंगे थ्री मैन तो सेंटेंस हमारा पैसे बन गया है द कार्ट इज़ बींग लोडेड बाई मैन ये जो सेंटेंस हमने पैसे जो बनाए हैं वो सेंटेंस सारे हाईस्कूल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही मोस्ट सेंटेंस हैं और जितने भी स्टूडेंट हाईस्कूल का एग्जाम देने वाले हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ताकि उनको एग्ज़ाम देने में हेल्प मिले थैंक यू वेरी मच